बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की नाजिया आलम ने ईद के मौके पर गरीब व जरूरतमंदों को बांटे कपड़े व जरूरत का सामान। डॉक्टर हुदा और उनकी पत्नी नाजिया आलम ने जश्न ईद और मोदी जी की जीत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर कहा कि हम सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं और मोदी जी की जीत की भी मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर नाजिया आलम डॉक्टर हुदा ने गरीब व जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटे। तालीम का मामला हो इंशाल्लाह ताला, और पहले मेरे ख्याल से बटवा देते हैं, उसके बाद फिर दुआ का प्रोग्राम। इधर देखिए, आज उत्तर प्रदेश मोर्चे की तरफ से हम लोगों ने मोदी जी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है और साथ ही कल में भी ईद है, तो उसकी खुशी में यहाँ पर एक आइटम रखा है। उसमें हमने मुस्लिम महिलाओं को और तलाशी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, बेसहारा महिलाओं को बुलाया है। ऐसी महिलाओं को जिनके कल जीते, जिनके कम पर मोदी जी जीते हैं, आज उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा है, वोट से नवाजा है, सपोर्ट से नवाजा है, तो हमारी तरफ से उनको एक शुक्रिया अदा करने के लिए और एक आभार जताने के लिए और साथ में मिलकर एक खुशी मनाने के लिए हम लोगों ने ये एक सेलिब्रेशन किया है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं, यहाँ पर सारी औरतों ने उम्मीद जगी है कि मोदी जी दोबारा बने, क्योंकि कुछ लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है और कुछ पेंडिंग है, तो उनको ये पक्का विश्वास है कि मोदी जी आ गए हैं और तीन तलाक वाला कानून भी जल्दी बनाएंगे। इस बात को लेकर बहुत खुश है सभी महिलाएं। रविशंकर प्रसाद ने कल कहा कि हम तलाक की घटनाओं को फैलाएंगे और निश्चित रूप से तो कितना खुश है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि ट्रिपल तलाक कानूनी तौर से बंद होना चाहिए। हमारे कुरान में और सारी महिलाएं देखिए खुलकर भले ही सामने ना आए, लेकिन उनकी जो पोलिंग बूथ पर उनके वोट खुले ना, उसने इस बात का जो है अपना प्रमाण दे दिया है कि सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में बंद है, दूसरे इस्लामिक देशों में बंद है, हिंदुस्तान में भी बंद होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने जहां विरोध किया था और अब चूंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ गई, अब इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत से आई है और हम लोग जन समर्थन जुटाएंगे। बहुत जल्दी हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा एक जन आंदोलन चलाने वाला है, जन आंदोलन, उसमें हम लोगों का समर्थन लेंगे। राहुल के लिए क्या कहेंगे? राहुल ने आपका रोका था राज्यसभा में, जो भी ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो जो भी है उनकी मानसिकता महिला विरोधी है, सिर्फ दिखावा करते हैं महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं के विरोधी है। और जाहिर सी बात है, जब महिला विरोधी होगा तो वो देश का विरोधी होगा। तुष्टिकरण की राजनीति जो भी करेगा वो गायब होगा। हमारी पार्टी ने कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की और आज आप देख रहे हैं उसका असर कि सबका साथ सबका विश्वास हमें मिला है, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारे साथ मोदी जी पुनः सरकार में आए हैं। और हम सभी लोग ये आशा व्यक्ति करेंगे, आज मोदी जी की लंबी आयु के लिए भी यहाँ दुआ की जा रही है और यहाँ सभी माताएं बहनें आ जाएंगी 29 रोजे रखने के बाद। कहते हैं कि आखिरी रोजा जिस दिन हो और उस दिन अल्लाह ताला से जो दुआ मांगो कबूल होती है, और आज यहाँ ये सारी रोजेदार औरतें बैठी हुई हैं, सारे यहाँ जेंट्स हैं, सब लोग मिलकर मोदी जी की लंबी आयु के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनके दिलों में मोदी जी के लिए कितना प्यार है।